हाय दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द बीबी वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इस बात की जानकारी होगी कि एक न्यूज बहुत वायरल हो रही है कि TikTok का बाप आ चुका है एक ऐप जिसका नाम है मित्रो टीवी। और इस ऐप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये इंडिया का है, मेड इन इंडिया। तो जान लेते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन, इस ऐप का फाउंडर कौन है? बताया जा रहा है कि शिवांक अग्रवाल, जो कि रुड़की के IIT के स्टूडेंट हैं, वो इस ऐप के फाउंडर हैं। जो है शिवांक अग्रवाल ने बनाई है, मतलब सभी लोग, जितनी भी न्यूज पब्लिकेशन है, अमर उजाला ने भी यही कहा है कि भाई शिवांक अग्रवाल करके कोई है IIT रुड़की से, उन्होंने बनाया। क्विंट ने कवरेज की हुई है, द क्विंट ने, उन्होंने बोला कि भाई IIT रुड़की से शिवांक अग्रवाल हैं जिन्होंने ये ऐप बनाई है। किसी के पास शिवांक अग्रवाल की कोई फोटो नहीं है। सारी मीडिया ने भी यही बताया है और सारी न्यूज में भी यही वायरल हो रहा है, लेकिन किसी के पास भी शिवांक अग्रवाल की कोई फोटो नहीं है, कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? जिस बंदे ने इतना अच्छा काम किया है वो अपनी पहचान छुपा रहा है, क्यों? सोचने वाली बात है। फैक्ट नंबर टू, मित्रो टीवी, इस ऐप में जो भी वीडियोस अब तक अपलोड किए गए हैं वो किसी भी क्रिएटर का खुद का ओन वीडियो नहीं है, वो सारे के सारे वीडियोस टिकटॉक के चुराए हुए हैं। टिकटॉक से वीडियो डाउनलोड करके वाटरमार्क हटा के मित्रो टीवी ऐप पर अपलोड किए गए हैं। तो ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है। फैक्ट नंबर थ्री, मित्रो टीवी की जो भी वीडियोस हैं उन सभी पे आपको कमेंट्स ज्यादा मिलेंगे और लाइक्स कम। मतलब अगर आप कोई वीडियो देखते हो तो उस पे कमेंट 250 या 300 हैं और लाइक्स केवल 5 या 10। क्या ऐसा हो सकता है? सोचने वाली बात है। फैक्ट नंबर फोर, मित्रो टीवी ऐप में केवल आप जीमेल अकाउंट से ही साइन अप कर सकते हो। मतलब आपको इस पे अकाउंट बनाना है तो आपका जीमेल अकाउंट जरूर होना चाहिए। टिकटॉक की तरह इसमें फोन से अकाउंट नहीं बना सकते, फोन नंबर से नहीं बना सकते। तो इसका मतलब जो विलेजर्स लोग हैं वो तो इस ऐप को यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका तो जीमेल अकाउंट होता ही नहीं है। तो इसका मतलब वो इस ऐप को यूज नहीं करेंगे। तो ये ऐप टिकटॉक को बीट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कैसे करेगा? या फिर इस ऐप का कोई और झोल है? सोचने वाली बात है। और फैक्ट नंबर फाइव, और जो सबसे मेन फैक्ट है, अगर आप इस पर साइन अप कर लेते हो, अपना अकाउंट भी बना लेते हो, लेकिन आप इस पर कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते। ट्राई करके देख लेना, हमने भी ट्राई किया बहुत, पर हमारी एक भी वीडियोस अपलोड नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब हुआ? या तो जिस भी अकाउंट से इस पर वीडियोस अपलोड की गई हैं वो वीडियोस फेक हैं, या फिर वो अकाउंट्स फेक हैं, क्योंकि ज्यादातर अकाउंट्स पे प्रोफाइल पिक्चर्स भी नहीं है। और ऐसा है तो ऐसा क्यों है? किसी भी ऐप पे फेक अकाउंट क्या होना सही है? सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जो इस ऐप को खराब या फिर फेक साबित करते हैं। और अगर ये ऐप सही भी है तो फिर ये इस तरह से तो टिकटॉक को कभी बीट नहीं कर सकता। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बता दूं, टिकटॉक के खिलाफ जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उसके बीच अगर ये खबर आती है कि कोई ऐप इंडिया का आया है तो दिल को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें देशभक्त बनना है, बेवकूफ नहीं। क्योंकि इस कॉन्ट्रोवर्सी से कोई फायदा तो नहीं उठा रहा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बस दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपके फोन में भी ये ऐप इंस्टॉल है तो इसे अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दो, बाकी आपकी मर्जी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम की है, अगर थोड़ी सी भी काम की है तो इसे शेयर कर देना ताकि सबके काम आए। ओके, आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।